Good morning students, welcome back in English class. Today once again we are going to start the same topic, narration, speech or direct indirect, the sentence or imperative sentence. आज हम वो sentence study करेंगे जो verb की first form से start होंगे या don't से start होंगे. Is it clear? First form क्या होगा? Said to will be changed according to meaning of the statement into advised, ordered, requested. और character क्या लगेगा? To. अब देखिए first form क्या होता है? Rohit said to his brother, take rest now. अब आप क्या करो, आराम करो. रोहित को अपने भाई से कह रहे टेक रेस्ट नाउ, यानी एज अ रहना हो सकता बड़ा भाई हो, छोटे भाई को रेस्ट कर रहा हूं कि आराम करो आप तुम, तो एडवाइस दे रहा है. तो सेड टू को चेंज करेंगे एडवाइस में, एडी V-I-S-E-D, या ऑर्डर यूज नहीं कर सकते, याद रखिएगा. तो देखो रोहित एडवाइज हिज ब्रदर, कितना गुड एग्जाम में आपको आंसर मिलेगा. और आप इंपरेटिव कैसे में चलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर जो टेक है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, वी फॉर्मेट देख रहे हैं हम. जो अगर किसी सेंटेंस में सेट टू को बदल दे, वांट, कमांडेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, फॉरवर्ड, तो इंपरेटिव सेंटेंस होगा. तो फर्स्ट चेंज क्या है कि हमने एडवाइस कर दिया, कैरेक्टर वही लगेगा क्या, टू के साथ कौन सी फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म टेक पे टेक ही रहेगा, रेस्ट विल बी रेस्ट एंड नाउ विल बी चेंज इनटू देन. ठीक है, नाउ कैसे चेंज हुआ, देन भी चेंज हो गया, कितना इजी है. नेक्स्ट she said to me have some pity and daya hai on the poor, yani garibon par thodi bahut kya rakho, daya rakho. Hum kya soch rahe hain, ye sentence have se start ho raha hai, interrogative hai. Interrogative hone ke liye last mein question mark chahiye, yahan par last mein full stop hai. यहाँ पर जो है वाला है ऊपर नहीं है, यहाँ पर है वो क्या है, मेन वर्ब है. शी सजेस्ट, यहाँ पर एडवाइस कर सकता, सजेस्टेड लिख सकते आप चाहे तो, सजेस्टेड यूज कर सकते आप चाहे तो यहाँ पर. ठीक है, शी सजेस्टेड टू मी, वैसे सजेस्टेड यूज होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको लगे सर को नहीं आता, मुझे समझ आता है. सजेस्टेड और प्रपोज्ड ये यूज होता है जब सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, वो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा. जो भी सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा उसमें सेट टू और सेट टू और सेट बदलेगा सजेस्टेड और प्रपोज्ड में. अगर सेट टू है तो सजेस्टेड टू प्रपोज्ड टू आएगा, और ओनली सेट है तो सजेस्ट और प्रपोज्ड आएगा. हम क्या कर सकते, शी एडवाइज मी, कैरेक्टर विल बी टू, आफ्टर टू बी यूज फर्स्ट फॉर्म, और मैं बता टू के साथ आने वाला है वो कभी चेंज नहीं होता है. तो हैव का क्या रहेगा, हैव ही रहेगा, सम का सम ही रहेगा, पिटी ऑन द पुअर यानी गरीबों पर थोड़ी बहुत क्या रखो, दया रखो, यहां पर आंसर हो गया. अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस जो डोंट से स्टार्ट होगा, कैसे, माय मदर सेड टू मी, मेरी मदर ने मुझसे कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम कि अपना टाइम बर्बाद मत करो. देखिए मदर कह रही है, मदर मुझे कह रही है कि अपना टाइम बर्बाद मत करो, तो मदर एडवाइस दे रही है. तो दो तरह से आंसर बन सकता है. फर्स्ट आंसर देखिए, माय मदर एडवाइस, ADVISED एडवाइस मी. आप कैरेक्टर क्या लगा रहे थे, टू, लेकिन टू से पहले आपको लगाना पड़ेगा नॉट. आपने नॉट यूज क्यों किया, नॉट किससे मिलकर बनाया, डू नॉट से तो नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नॉट यूज करना पड़ेगा. और नॉट बिफोर टू यूज होगा, आफ्टर टू यूज नहीं होगा. आफ्टर टू तो कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, याद रखिएगा. टू से पहले नॉट यूज होगा, टू के बाद नहीं आएगा, क्योंकि टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. तो आंसर क्या बनेगा, माय मदर एडवाइज मी नॉट टू, डोंट को रिमूव कर देना, डोंट के आगे हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो सेम रह जाएगी, नॉट टू वेस्ट. अब यहां योर को चेंज कर दे, यू इज सेकंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा. ऑब्जेक्ट कौन है, मी, ये यू की सेकंड फॉर्म होगी योर, तो मी की सेकंड फॉर्म माय, ये हो जाएगा माय टाइम.
इस क्वेश्चन का ऐसे भी बोर्ड एग्जाम में दे सकता हो, माय मदर एडवाइस के लिए फॉरवर्ड लिख सकता है, फॉरवर्ड मी टू वेस्ट माय टाइम। इसका मतलब जब भी फॉरवर्ड यूज किया जाएगा, आपको बताना चाहूंगा जो फॉरवर्ड वर्ड है फॉरवर्ड, ये फॉरबिड की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है फॉरबिड, सेकंड होगी फॉरबिड और थर्ड होगी फॉरबिडन। फॉरबिड फॉरबिड फॉरबिडन, फॉरबिड करना होता है किसी को डिनाई करना, डिनाई यानी किसी को मना करना, किसी को कोई काम करने से रोकना। जब भी डॉट वाले सेंटेंस में सेंटर को उसने कैसे बदल दिया, फॉरवर्ड बदल दिया। तो याद रखिएगा फॉरवर्ड के साथ कभी नोट का यूज नहीं होता है, क्योंकि फॉरवर्ड अपने आप में वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है जो खुद नेगेटिव सेंस दे रही है। और कहते हैं ना एक मैदान में दो तलवार नहीं रहती है, उसी तरह से जहां फॉरवर्ड यूज हो गया वहां नोट का यूज नहीं करना है आपको। फॉरवर्ड के साथ नोट का यूज कभी नहीं होता, क्योंकि दो नोट की तरह चल रही है, ये भी नोट है और ये भी नोट है, और दो नोट कभी नहीं आ सकते। तो जहां नोट वाले सेंटेंस फॉरवर्ड आ गया वहां नोट का यूज नहीं करना है। एडवाइस के साथ नोट लग जाएगा, ऑर्डर के साथ लग जाएगा, वॉन्ट के साथ लग जाएगा, रिक्वेस्टेड के साथ लग जाएगा, लेकिन फॉरवर्ड के साथ नोट टू नहीं लगेगा, केवल टू लगेगा, नोट का यूज नहीं होगा, बाकी रिमेनिंग पार्ट वैसा ही रहेगा। यह है आपका डोंट वो का फॉरवर्ड का तरीका। ओके स्टूडेंट्स, कम टू सम नेक्स्ट क्वेश्चंस, हम कुछ और अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट द बेगर सेड डोंट बीट मी प्लीज। अब देखिए सेंटेंस को ये स्टार्ट कैसे हो रहा है, डोंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन साथ साथ यहां पर क्या है, प्लीज भी आ रहा है, दिख रहा है आपको, डोंट है पर प्लीज भी आ रहा है। और जब भी प्लीज आएगा तो सेड कैसे बदलेगा, रिक्वेस्टेड में, तो आंसर क्या बनेगा, द बेगर सेड चेंज होगा किसमें, रिक्वेस्टेड में आ जाएगा, ठीक है, सेड कैसे चेंज होगा, रिक्वेस्टेड में। अभी नेगेटिव सेंटेंस है तो मुझे पहले क्या लगाना पड़ेगा, नोट, और नोट के बाद क्या लगाना पड़ेगा, टू, बताया था डोंट में नोट टू लगेगा, लेकिन अगर फॉरवर्ड होता तो नोट टू नहीं होता। मैंने फॉरवर्ड यहां क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर प्लीज आ रहा है और प्लीज के साथ फॉरवर्ड नहीं, रिक्वेस्टेड का यूज होगा, तो हो जाएगा द बेगर रिक्वेस्टेड नोट टू, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर मी का बीट रहेगा और मी की जगह क्या आ जाएगा, हिम, क्योंकि आई माय मी, आई माय मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बेगर के लिए ही इज हिम। इसको लिख लीजिए एक बार, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, पुट ऑन वॉर्म क्लॉथ्स सुनीति सेड टू सोहन। अब आप क्या सोच रहे हैं, ये सेंटेंस ऐसा कैसे हो गया भाई, ये उल्टा कैसे हो गया, इन्वर्टेड कॉमास तो बाद में आता था, ये सेकंड सेकंड हो गया, फर्स्ट नंबर पे कैसे आ गया। इंग्लिश में कई बार ऐसा करेगा, आपको जो रिपोर्ट स्पीच होगा ना वो फर्स्ट नंबर पे लिखे दे देगा आपको, वो रिपोर्ट एक बार बाद में लिखे दे देगा। तो हमें तो क्या करना, रिपोर्ट एक बार को पहले लाना है, रिपोर्ट एक बार क्या पर बोले, सुनिधि एंड सोहन, सुनिधि कौन है सब्जेक्ट और सोहन कौन हुआ ऑब्जेक्ट, इनको पहले लेंगे। ये पुट कौन सी फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, आगे सूचक वाक्य है, और आगे ये सुनिधि कह रही है सोहन से कि गर्म कपड़े पहनो, तो सुनिधि एडवाइस दे रही है, सलाह दे रही है, किसे सलाह दे रही है, सोहन को। तो आपका हाफ आंसर क्या है, लिखा आएगा सुनिधि सेड टू, चेंज रहेगा आपका किसमें, एडवाइस में, ए डी वी आई एस ईडी, एडवाइस ऑब्जेक्ट कौन है,
सोहन, ये एग्जाम में लिख के देगा, सुनील जी ने सलाह दी, किसको सलाह दी, सोहन को। जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस के नाम से बुलाया जाता है। उसमें करेक्टर क्या लग जाएगा आपका, टू, क्योंकि बात कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन पुट कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, ये चेंज नहीं होगी, तो जाएगा टू पुट ऑन वॉर, सी एल ओ टी एच ई एस, क्या है, क्लॉस, हो गया अपना आंसर। तो फर्स्ट सिंग क्या चेंज किया, सेट टू की सिंग चेंज हो गया एडवाइस में, करेक्टर क्या लग गया टू, और टू के बाद वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। एक सेंटेंस और देखना, द टीचर, आपको बताना चाहूंगा टीचर कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को ही मान सकते हैं और शी भी मान सकते हैं, ये तो सब जानते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, एस टी यू डी ई एन टी, आपको बता दो स्टूडेंट भी कॉमन नाउन है, वो ही भी हो सकता है और शी भी, लेकिन अगर स्टूडेंट्स होता है, याद रखिए, अगर ये सिंगुलर, याद रखिएगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर क्या रहते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, प्लूरल रहते हैं, तो उन्हें हमेशा क्या माना जाता है, दे माना जाता है, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, अगर वो सिंगुलर नहीं होकर प्लूरल हो, यानी हिंदी में आप बोलते हैं एकवचन नहीं होकर बहुवचन हो, तो उन्हें हमेशा क्या माना जाता है, दे माना जाता है। ठीक है, स्टूडेंट से कह रहा है नेवर वेस्ट योर टाइम, टीचर ही कह रहे हैं